इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, है ना। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है वो फ्यूडल माइंडसेट जो पाकिस्तान में है कि मैं वडेरा हूं, मैं चौधरी हूं, तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। वो अच्छा, एवरीबडी इन पाकिस्तान एक्चुअली एस्पायर्स टू बी अ वडेरा। जो जर्नल है सर, अशफाक परवेज कियानी, ही बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली, उसके फादर एनसीओ थे सर आर्मी में ना, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, उनके ही वॉज एट अ जूनियर लेवल इन दी आर्मी। अशफाक परवेज कियानी करोड़पति बन गया। कैसे बन गया करोड़पति? आर्मी चीफ बनते, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तानियों का यह नहीं है कि हमें चांद पे जाना है, हमें मरीख पे जाना है, मार्स पे, हमें यह करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ बनना। नहीं, हर एक पाकिस्तानी, ज्यादातर पाकिस्तानियों के दिल में यह है कि मैंने बड़ा बनकर ना चौधरी बनना है, मैंने वडेरा बनना है। चार पांच पजेरो होंगी, 10-15 बॉडी गार्ड होंगे मेरे, मैंने वही काला अपना, मैंने वो सूट पहना सलवार का, ठीक है, और मैंने सरसों का तेल बालों में लगाना है और बस मैंने आगे चलना, अपनी पजेरों से निकल के मैंने गुंडागर्दी करनी है, पैसे हैं, मेरी जमीन है। वो माइंडसेट जो है सर, वो मौला जट टाइप का सर माइंडसेट, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्गली इनग्रेंड इवन इन देयर आर्मी। इट इज स्टिल अ वेरी वेरी फ्यूडल आर्मी सर। मैं आपको एक और बात बताता हूं ताहिर साहब, मुझे ये नहीं पता कि आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं, पाकिस्तानी ऑफिसर्स डोंट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप देखिएगा पाकिस्तान में ऑफिसर्स की कैजुअलिटी बहुत कम है। हाँ, कुछ यंग ऑफिसर्स, ऐसी बात नहीं, यंग ऑफिसर्स की मौतें हुई हैं पाकिस्तान में, नो डाउट, मैं मना नहीं करूंगा, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, बॉर्डर में हुई हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी पोस्ट हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर। हमारे साथ, हमारे हर एक पोस्ट पे आपको ऑफिसर मिलेगा हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में। पाकिस्तानी पोस्ट में ऑफिसर पीछे रहता है सर, वो कभी कभी आता है, देयर ऑन कमिंग फ्रंट। ऐसा नहीं कि उनके ऑफिसर बहादुर नहीं है या कामचोर है, ऐसी बात नहीं है, वडेरे हैं सर। हमारा काम थोड़ा है, हमारा काम नहीं, हम ये सब करें सर, क्योंकि पाकिस्तान जितना कश्मीर करेगा, पाकिस्तान में उतना एजुकेशन का लेवल गिरेगा, क्योंकि पैसा ये हमसे लड़ने के लिए लगा रहे हैं। जितना ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करेंगे अफगानिस्तान में, उतना हमारा फायदा है। करो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हर चीज में पैसा चाहिए सर, हर चीज में पैसा चाहिए। ये जो एक गोली खरीद रहे हैं अफगान आर्मी की तरफ फायर करने के लिए, वो पाकिस्तानी बच्चे के हाथ से किताब छीन रही है, पाकिस्तानी बच्चे के हाथ से दूध छीन रही है, खुराक छीन रही है। अपने खुद के मुल्क को ये लोग नीचे गर्द में डाल रहे हैं, गड्ढे में ढकेल रहे हैं। हमें ये कहते हैं सर, रॉ की साजिश है, ये कहते हैं इंडिया के लोग साजिश करते हैं। सर मैं एक बात बताता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं सर, किसी को जरूरत है साजिश करने की? आप बताओ सर कि इस बंदे को साजिश करने की जरूरत है, ये खुद ही साजिश कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, इन्होंने जो सऊदी अरेबिया के साथ बकवास करी कि हम ओआईसी का अपना खुद एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे, वो हिंदू की साजिश थी सर, जो इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करे। जो फालतू में 3 महीना 13 में कुछ लेना देना नहीं, ये पहुंच गए इजराइल से लड़ने, वो इंडिया ने बोला था। तो ये बाहर की ताकतों को ब्लेम करते हैं सर। मैं तो सिंपल सा एक बात कहता हूं, पाकिस्तान इज डूइंग अस अ बिग फेवर। मैं तो कह रहा हूं करते रहो कश्मीर करो, अरबों डॉलर खर्च करो, हथियार बनाओ, क्योंकि जितना तुम हथियार बनाओ, क्योंकि हमें पता है ये लोग क्या कर रहे हैं सर, ये हथियार ईमानदारी से भी नहीं बनाते, ये हथियार खरीदेंगे सर, 20-25% उसमें ये खा जाएंगे, क्योंकि करप्ट तो है ये लोग, इनके जितने भी जनरल्स हैं वो 20-25% उसमें हथियार में खा जाएंगे, और फिर इनके ऊपर लोन बढ़ जाएगा, इनके इनकी जो कॉम के ऊपर वापस लोन बढ़ जाएगा सर, इनकी कॉम के ऊपर, बस कहानी खत्म हो गई। इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कितना लोन है सर? इट्स मोर देन द जीडीपी जो इनका लोन अभी स्टैंड कर रहा है। तो पाकिस्तान के ऊपर और लोन बढ़ेगा, जितना ये इंडिया से डरेंगे, जितना कश्मीर करेंगे, उस खौफ को दूर करने के लिए हथियार खरीदने के लिए और पैसे खरीदेंगे, और पैसे खरीदें। भारत के लिए ठीक है कि पाकिस्तान इतने हथियार खरीदे, इतनी चीजों में घिरा रहे कि हमें कुछ करने की जरूरत ना हो, बस ये कश्मीर करता है सर। अगर पाकिस्तान 10 साल और कश्मीर करता रहा ना सर, ये टूट जाएगा अंदर से मुल्क। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज की डेट, आप समय नोट करिएगा ताहिर साहब, पाकिस्तान टूट जाएगा, इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, बस ये 10 साल और किसी तरीके से हिम्मत करके कश्मीर करता रहे सर, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये करता रहे, 10 साल के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर के चलते इन्होंने पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया सर अपनी, ठीक है। इसने बोला कि हथियार जो है मुसलमान का जेवर है, इन्होंने गलत चीजें सिखाई, इनको ये बोलना चाहिए तो इल्म है वो मुसलमान का जेवर है, क्योंकि कुरान शरीफ का जो पहला सफा है सर, जो पहला वर्ड लिखा उसमें लिखा इकरा, रीड, कुरान शरीफ का पहला हुक्म है पढ़ो, इस्लाम कहता है पढ़ो, जाओ पढ़ो, पढ़ने के लिए
अगर तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म के लिए चीन जाना पड़े, तुम चीन जाओ, ये चीन से लोन लेने के लिए पहुंच गए, पढ़ने के लिए नहीं गए। तो ये इनकी किस्मत ही खराब है। और हम तो चाहते हैं, मैं चाहता हूं एज एन इंडियन कि मेरा काम आसान होगा, ये और कश्मीर करें सर। 10 साल अगर इन्होंने कश्मीर कर दिया, पाकिस्तान इज डन, सो इट्स ओवर सर। आपकी बातें सुनते हुए मुझे ये भी एहसास होता है कि आप दर हकीकत पाकिस्तान के भी बड़े खैर ख्वाह हैं। आप इतने अच्छे मशवरे दे रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि अगर आप इसी तरह कश्मीर करते रहे जैसा कि 70-72 साल से कर रहे हैं, इतनी आपके यहाँ डिस्टेबिलिटी हो चुकी है, आपका एक पूरे का पूरा बाजू भी अलग हो चुका, आप उनको बता रहे हैं अगर आप इसी तरह करते रहे तो आपको और डेंजर्स हैं डिसमेंबरमेंट्स के हवाले से, आप तो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ही कोट अनकोट, मुझे ये शब्द बहुत बुरे लगते हैं इसलिए मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, यहूदो हनूद साजिश के ही राग अलापते चले जाएंगे वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के लोग और वहाँ के मीडिया और पॉलिटिशियंस और अशराफिया, और इसी राग को अलापते अलापते ये अपना और बुरा हाल करते चले जाएंगे। तो यानी वही जो मैं अभी आपसे पीछे पूछ रहा था कि यहूदो हनूद की साजिशों की बातें करने वाले अपना ही बुरा बिगाड़ते चले जाएंगे, और ये बुरा आपको किस एक्सटेंट तक फर्दर नजर आ रहा है? सर मुझे तो पूरी एक्सटेंट तक नजर आ रहा है। देखिए मैं चाहता हूं कि ये बोले कि हिंदू की साजिश है, मैं चाहता हूं ये बोले यहूदी की साजिश है, उससे क्या होगा मैं बताता हूं। हमें फायदा क्या होता है? जब भी कोई चीज खराब होती है सर वहां पर, पाकिस्तानी कहते हैं कि ये यहूदी की साजिश है या हिंदुओं की साजिश है। इससे इंडिया को डायरेक्ट फायदा यह होता है कि पाकिस्तान उस चीज को ठीक नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, पाकिस्तानी आवाम कहती है चलो ठीक है, इसका मतलब साजिश है, हमारी कोई गलती नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, राइट। और यही हम चाहते हैं, ये बिलीव करें कि ये ठीक है, क्योंकि अगर ये बिलीव करेंगे, अगर ये विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे ठीक है, फिर ये बेहतरी की ओर नहीं जाएंगे सर, ये उसी दलदल में गिरे रहेंगे। तो हर चीज, पाकिस्तान में बिजली चली गई ठीक है सर, तो ये नहीं बोलेंगे कि हमारे ट्रांसफॉर्मर खराब है, यह यहूदी की साजिश है, ये हिंदू की साजिश है। हाँ, हिंदू की साजिश है, तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं है, तुम्हारे बच्चों को पानी साफ नहीं मिलता, दूध खालिस नहीं मिलता, सब हिंदुओं की साजिश है, राइट। अब हिंदुओं की साजिश है तो ठीक है, तो तुम साजिश मनाओ और अपने आप को बेहतरी की ओर मत ले जाओ। तो ये जो साजिश वाला खेल है ना, ये एक्चुअली पूरे कौम को रेडिकलाइज कर दिया, राइट। आई हेटरेड, अब इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में नफरत पैदा हो गई हमारे लिए, ठीक है साहब, ये तो आपको पता ही है साहब कि पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन इस नफरत ने, जो पाकिस्तानियों के दिल में एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, आईएसआई ने नफरत पैदा करी हमारे लिए, राइट, ये जो नफरत है, ये नफरत सर, इससे हमें घाटा क्या हुआ? हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ इससे, हमें तो कोई भी, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं हुई। पाकिस्तानी एक दूसरे को ही तो मार रहे हैं ना, शिया सुन्नी के नाम पे, बरेलवी और देवबंदी के नाम पे, अहले हदीस के नाम पे, अहमदी के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे। और जो हमारे ऊपर ये आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, एफएटीएफ में लटकी हुई है इनके सर पे तलवार, आज नहीं तो कल हो जाएगा इनका खेल, राइट। दूसरी चीज, अपने आप को जितना चौधरी समझ लें, ये अगर बेसिस देते हैं अमेरिका को तो चाइना ठोकेगा, अफगान तालिबान ठोकेगा, ये फंस गए बुरी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइस एज़ यूज़ुअल मेजर गौरव आर्या का एपिसोड हमेशा की तरह धमाकेदार ही होता है, और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें पता चलती हैं, कुछ ना कुछ नई बातें बताते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को लेकर इतना रिसर्च कर चुके हैं, वहाँ के एक एक चीज़ को जानते हैं, एक एक फ़िरके को जानते हैं, एक एक मतलब हर चीज़ को समझते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान कहाँ पर कमज़ोर है पाकिस्तान और क्या कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान की। तो गाइज़ यहाँ पर जो मेजर गौरव आर्या का पहला स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान आर्मी बेसिकली पैसा कमाकर बाहर सेटल होती है, पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनकी ये हिस्ट्री रही है। आपको भी पता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ है उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, परवेज़ मुशर्रफ के 3 भाई हैं और मतलब इतनी प्रॉपर्टी है उस बंदे के पास, 7-8 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी उस बंदे के पास है, दुबई में सेटल है, पाकिस्तान से पूरा कमाया गाया, और आज वो एग्ज़ाम्पल देता है कि मैं दूसरी जगह लेक्चर दे देकर मैंने ये पैसे कमाए, मतलब यूनिवर्सिटी में ये और वो। और एक और पाकिस्तान का जर्नल था कयानी, वो अब ऑस्ट्रेलिया में सेटल है और वो पाकिस्तान आता तक नहीं है। तो ये हिस्ट्री रही है। और अभी कुछ दिन पहले जर्नल आसिफ गफूर, उसके खुद के बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं और वो पाकिस्तान आर्मी का वो मतलब DGISPR था, मतलब आप समझ सकते हो पाकिस्तान आर्मी को बड़े अच्छे से एक्सपोज करते हैं मेजर गौरव आर्या। और ये एक्सपोज नहीं करते हैं, सच्चाई बताते हैं, मतलब जो सच है वही बोलते हैं। इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं होता कि इंडियन आर्मी का जो आर्मी चीफ है वो रिटायर होने के बाद वो बाहर सेटल हो जाए,
पैसा बना ले। आपको भी पता है कि इंडियन आर्मी में वो बेचारा खुद कहीं किसी, मतलब ऐसा हुआ है कई बार कि कहीं किसी कॉलेज का डीन है या कहीं कुछ ये है, या टीवी एक्सपर्ट बन जाते हैं, ज़्यादा कुछ तो उनके पास रहता नहीं है, पेंशन ही रहती है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी में ऐसा नहीं रहता, उनकी चांदी ही चांदी रहती है। अगर आप बड़े लेवल के अफसर हो तो फिर आपका बहुत ज़्यादा मतलब बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। और जो छोटे लेवल के भी रहते हैं तो वो पाकिस्तान में इतने प्लॉट और बहुत सारे घोटाले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में मेजर गौरव आर्य ने जो एक्सप्लेन किया है वो भी एक ज़बरदस्त बात है। कश्मीर पाकिस्तान जितनी दिन तक करेंगे भारत का उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि ये पाकिस्तान अपने बच्चों को इतना रेडिकलाइज कर चुके हैं कश्मीर करके, तो वो बच्चे भी पढ़ाई की जगह बस कश्मीर के बारे में ही सोचेंगे। कश्मीर को लेकर ही पाकिस्तान हथियार खरीदेगा, भारत को लेकर ही हथियार खरीदेगा। कितने हथियार खरीदेगा भारत, तो आपको भी पता है कि इनसे तो ज़्यादा ही खरीद लेगा। भारत को पाकिस्तान बस से चिंता नहीं है, भारत चाइना से चिंता है, आपको भी पता है। तो उस चक्कर में तो हमें हथियार लेने ही पड़ेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हो बांग्लादेश, भारत के रिलेशन से बांग्लादेश के किसी देश के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं है कि उन्हें हथियार खरीदने पड़ जाए। उसकी इकोनॉमी आप देख सकते हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी देख सकते हो, तो ये तो सोचने वाली बात है। तो गाइज़ आप समझ सकते हो पाकिस्तान अगर जितने दिन कश्मीर करेगा उतना ही वीक होगा, हमारे लिए फ़ायदा है। मेजर गौरव आर्य ने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान का ये जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो तो कश्मीर पहले दिन से ही कर रहा है। ये मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेकर यहाँ पर एक ऐसा बस बना था कि ये आएगा तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रिकेटर था। ये अब तक का मतलब ये एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, ये सबसे बड़ा जिहादी तो यही निकला। वो ये ना जो पढ़ा लिखा है वो बहुत बड़ा जिहादी निकलता है, क्योंकि वो अलग ही नज़रिए से पढ़ लेता है कुछ ना कुछ चीज़ें। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।